नमस्कार, आज हम कृष्ण भगवान का ड्रेस सीने के लिए सीने मेरे पास बड़ा वाला कृष्ण भगवान है, 18 इंच का है वो। पुराना जो ड्रेस था आपको पता ही है, अभी बहुत सारे शॉप्स अभी भी खुले हुए नहीं हैं, तो मेरे पास जो पुराना वाला पहले वाला कृष्ण भगवान का ड्रेस था, मैंने क्या किया है, मैं न्यूज़पेपर पर रख के इसका कटिंग किया है। और इसके लिए उसके शॉल के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधा ही काटना है, बस यहाँ से थोड़ा सा कम होगा, तो उसके लिए पेपर कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पोर्शन जो है उसके लिए आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, या फिर ये देखिए, ये कपड़ा लेके उसको ऐसे प्लेट्स डाल दीजिए, पर आप वो ऐसे भी लगा सकते हैं, पर मैं इसी इस पे जाने वाली हूँ, जैसे है वैसे ही करने वाली हूँ। तो पहले क्या करना है, हमें पेपर पे रखे इसको कट करना है, ठीक है। पहले कपड़े का देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ब्लाउज पीस लिया है, हाँ, जो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ इसलिए मैंने ये लिया है। अभी देख लेना है, देखिए ये थोड़ा सा कम है और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा ये वाला रखने वाली हूँ यहाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखेगा इसके ऊपर, इसलिए ये वाला मैं रखने वाली हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको दो इसमें हिस्सों में हम पहले फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दो इसमें फोल्ड कर दीजिए। ये आ रहा है कि नहीं देख लीजिए पहले। अब मैं और एक बार फोल्ड करने वाली हूँ, ये और एक बार, जो पेपर का मार्किंग है उससे थोड़ा सा हम एक आधा इंच तर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ से मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो देख सकते हो, बहुत नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा सा इतनी सी ही जगह से मैंने एक्स्ट्रा छोड़ के फिर मार्किंग कर रही हूँ। कैसे होता है, कपड़ा कैसा है आपका उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये मार्किंग हो गई हमारी इसकी, ठीक है। हम इसको कट करेंगे, उसी लाइन पर कट करते हैं, पोर्शन, ठीक है। अभी नीचे की धोती के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए पूरा जो है 26 इंच का है पूरा पन्ना, ये वाला पूरा का पूरा हमें लगने वाला है, सिर्फ अभी हाइट देखनी है, ठीक है। पहले हम हाइट उसकी मेजर करते हैं, 14 इंच चाहिए मुझे और थोड़ा सा हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, ठीक है। ये 14 इंच मार्क कर लीजिए इसको और फिर फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 14.5 इंच पे हाइट थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं, पता चलेगा मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। चलिए हमने ये पूरा काट लिया है, ये एंड पोर्शन। अभी हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। दोनों तरफ नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। ये वाला सेंटर अंदर और बाहर भी मार्क कर रही हूँ। अभी इसी सेंटर को लेके हमें फोल्ड्स करने हैं। यहाँ मैं ये देखिए ये पॉइंट पे पहले मैं और एक मार्किंग करने वाली हूँ, कम से कम 2.5 का मार्किंग है, ठीक है। इंच में मार्किंग कर रही हूँ मैं, हाँ 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से ये वाले से हमें इस तरह से फोल्ड्स बनाने हैं, आप अंदाज से बना सकते हो या फिर आप मार्किंग भी कर सकते हो, मतलब एक एक इंच पे फोल्ड करना है या किस तरह से फोल्ड करना, आप ज़्यादा ले सकते हो। एक सिंपल तरीका है ये, ये टू पीस में भी बनता है, मतलब एक साइड अलग से कट करके उसको फोल्ड करते हैं, बट ये मैं आसान तरीका मैंने ढूंढा है तो मैं वही करने वाली हूँ। अब ये जो पोर्शन है हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। अभी इसको क्या करना है आपको, बस इस तरह से करके उसको यहाँ सी देना है, तो हम इसको पहले सी देते हैं, तो सिलाई मशीन से कर लीजिए, मैं फ़िलहाल आपको हाथ पे ही दिखाने वाली हूँ। पहले हम सेंटर से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पहले किया था और फिर हम आगे जाते हैं। देख लीजिए कि आपका सेंटर कहीं जा नहीं रहा है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं एक एक करके सी देती हूँ उसको। मैंने पेपर पर ही ट्राई किया था, जिससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे, हमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये मैंने खुद ढूंढा है एक इजी तरीका, सिंपल तरीका। देखिए तो यहाँ उसको इस तरह से करना है, तो एक ही साथ मैं उसको डाल देती हूँ ये पोर्शन। अभी सिर्फ इसको यहाँ तक तो हो गया हमारा, यहाँ बीच में थोड़ा सा यहाँ तक सी देना है, यहाँ बीच में, ठीक है, वो करेंगे, पर सबसे लास्ट में ये करेंगे। पहले अभी क्या करना है,
ये देखिए अभी ये साइड से देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है वो। बस हमें ये वाली पट्टी जो है वो इस तरह से सी देनी है, यहाँ तक, ज़्यादा नहीं, हार्डली 2 इंच तक ही सीनी है, वो बाद में हम सीएंगे, पहले हम ये करते हैं कंप्लीट। ये देखिए 1 इंच होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम नाड़ी डालेंगे। चलो ये देखिए, पहले ये सीने से पहले ना हमें एक सेंटर में ये वाला करना है, ठीक है, ये वाला, पहले ये वाला सी लेना है यहाँ और फिर उसको फोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये वाला, देखिए ये वाला, मैं हम प्लेटिंग करेंगे और उसको लगा देंगे, थोड़ा सा अलग करते हैं, फोल्ड करना है, ठीक है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं हम। आप चाहे तो आयन की हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया, ये देखिए ये बाजू और ये बाजू पूरी तरह से इस तरह से सील कर देनी है जैसे वो धागे ना निकले, ठीक है, पहले ये करके फिर उसको हम अटैच करेंगे। देखिए ये वाला मैंने सी दिया है, अभी ये लीजिए, ठीक है, ये पहले आप आगे की तरफ रख दीजिए, जो भी आगे की साइड है आपकी देख लीजिए एक बार ठीक से कौन सी पीछे की साइड है और आगे की। ये देखिए ये हमारी आगे की साइड है, हाँ, अभी मैंने ये वाला जो है सारा उस मैं पूरा का पूरा उसको एक बार डाल देने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ सेंटर में रख दीजिए और ये वाला इस तरह से इसको सी दीजिए यहाँ, हाँ, और फिर उसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने सी दिया है, अब पीछे की तरफ से ऊपर का वाला पोर्शन हम इसको जो नाड़ी डालने के लिए हमें बनाना है ना वो बनाएंगे, कम से कम 1 इंच छोड़ दीजिए, वैसे नाड़ी के लिए इतनी नहीं लगती है बट फिर भी थोड़ा सेफर साइड आला है। ये देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया और ये ऊपर से यहाँ तक 1 इंच पे फोल्ड कर लिया, अब इसको पूरा लाइन हमें कंप्लीट हमने ऊपर की तरफ ये फोल्ड कर दिया है जिससे इसके अंदर हम नाड़ी डाल सकते हैं। अभी आगे की तरफ आते हैं, ठीक है, इसको ठीक करना है आपको, ये ऐसे करके ये फोल्ड पे यहाँ एक स्टिच डालनी है, मतलब ये देखिए ये पूरी तरह से, ये देखिए ये इस तरह से है, इसी फोल्ड पे इसको यहाँ डालकर फिर इसको सी देना है, ठीक है, यहाँ स्टिच डाल देते हैं। देखिए यहाँ मैंने स्टिच डाल दीजिए, ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया है आपका, ये देखिए यहाँ से आपने फोल्ड कर लिया इस तरह से और यहाँ से आपने फोल्ड कर लिया इस तरह से, इस तरह से आपकी धोती बन गई है। बस आपको अभी क्या करना है, इसे सील कर देना है, ये जो धागे निकल रहे हैं इसको सील करना है, ठीक है, इसको हम पाइपिंग कर लेते हैं पहले और फिर ये धोती फिर तैयार है। देखो अब ये वाला भी सिलाई हो गई है, ये सिलाई भी हो गई है, यहाँ हमने पहले सी दिया था और यहाँ सिर्फ 2 इंच का सिलाई करना था, वो भी देख लीजिए सिलाई कर दी है। अब हमारी ये धोती पूरी तरह से तैयार है, बस इसमें नाड़ा डाल दिया कि हो गया हमारा काम। यहाँ से जहाँ से हमने हमने नाड़ा डाल दिया, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा खींच लिया और ये हमारी धोती बन गई, ये हमारी धोती बन गई, देख लीजिए धोती बन गई है, ठीक है। और ये जो 2 पट्टियाँ हैं देखिए, हाँ, अभी मुझे ये वाला भी चाहिए था और ये वाला भी चाहिए था तो मैंने क्या किया अलग अलग कट किया, अभी एक इस दूसरे पर रख के इसको यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई और ये जो धागे निकल रहे हैं उसको भी हम सील कर देंगे इस तरह से, हाँ, या फिर इस तरह की रिबन लगा सकते हैं, आपको जो चाहिए आप लगा सकते हो। तो पहले मैं आपको इसका दिखाती हूँ, हम एक साथ सिलाएंगे ये और ये। तो पहले ये देख लीजिए, पहले तो हम बीच में एक पोर्शन को कट कर लेंगे, देख लीजिए ये इस तरह से है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये सील कर देते हैं और फिर बीच में कट कर देते हैं, इसके बाद ये चारों साइड पे हम सील कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो ऐसी गोल्डन रिबन भी लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर इस कपड़े का ही पट्टी बना के पूरे साइड पे लगा सकते हो, जिस तरह से आपको चाहिए आप उस तरह से कीजिए। मैं फ़िलहाल चाहे तो आप ये वाली गोल्डन पूरा यहाँ लगा सकते हो इस तरह से, तो ये भी चलेगा, आप जैसे आपको पसंद है वैसे कीजिए। पहले हम इसको सील कर देते हैं, ये देख लीजिए कि आप सीधे साइड पे हैं या उल्टे साइड पे हैं, पहले ये देख लीजिए और फिर यहाँ हम सी देंगे इस तरह से। ये देखिए ये सीने के बाद बीच में एक ही, ये देखिए अब इस तरह से करके यहाँ बीच में हम कट लगाएंगे, ठीक है, कोई भी एक साइड पे लगाना है। पहले इसको 2 में फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, एकदम सेंटर में चाहिए इसलिए आपको इसको 2 में फोल्ड करना पड़ेगा तो वो अच्छे से आएगा, वरना इस तरह से बीच में से काट लेना है आपको। ये देखिए बीच में से मैंने काट दिया है, अभी ये सारे साइड्स को, ये वाला साइड और गले का भी और ये भी, पूरे साइड्स को हम इस तरह से सील कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से।
आप चाहे तो ये रिबन भी लगा सकते हो आगे की तरफ या साइड पे तरफ, ये पूरी इस तरह से भी आप रिबन लगा सकते हो, बट मैं प्लेन रखने वाली हूँ। बस आगे की तरफ रिबन लगाऊंगी मैं अच्छा लगने के लिए। तो ये पहले सील कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं सुई धागा से। आप चाहे तो सिलाई मशीन पे भी सी सकते हैं। ये देख लीजिए, हमने ये पट्टी लगा दी है, अब हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। आप चाहे तो उसी कपड़े का पट्टी बना के लगा सकते हो, या आप चाहे तो गोल्डन रिबन लगा सकते हो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सिर्फ गले के लिए गोल्डन लगाने वाली हूँ, बाकी इसी पट्टी से इस तरह से लगाकर उसको फोल्ड करने वाली हूँ। ये वाला भी इस तरह से लगाकर उसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। ये पूरे इसको लगाएंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इस पट्टी को जो उसकी शॉल है उसको भी हम वैसे ही करेंगे। कपड़े को इस तरह से लगाकर पहले यहाँ सी देना है, फिर उसको ऐसे मोड़ कर, फिर और एक बार मोड़, इस तरह से हम इसको सील कर देंगे। ये अच्छा भी लगेगा। आप चाहे तो उसको गोल्डन लगा भी सकते हैं इस तरह से, आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से कीजिए। पहले हम ऐसे फिर इसको फोल्ड करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमने इस तरह से उल्टी तरफ लगा दिया था, अब उसको सीधा करना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक मैंने लगा दिया। अब देखो, मैं अब इसको इस तरह से मोड़ देना है। ये देखो, ये सही जगह है, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया, देख लीजिए, ये साइड पे था, देखिए अब ये क्लीन दिख रहा है ना। अब इसी लाइन पे हमें फोल्ड करना है यहाँ, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करना है और फिर उसको सी लेना। मैं गोल्डन कलर का ही ले रही हूँ जिससे वो चुभ जाए। इस तरह से दोनों तरफ का कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा गले का हो गया। इस तरह से हमारे गले का हो गया। बाकी सबको भी उसी तरह से टिप लगानी है और उसको सिल लेना है और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, गोल्डन थ्रेड लेंगे यहाँ नॉट लगाने के लिए। ये जिस तरह से बना है ये वाला नॉट, ये लगाएंगे सब जगह पे, जहाँ जहाँ लगाया है। देखो ये कॉर्नर और पीछे की तरफ भी पहले सी लेंगे, इसको सील कर देंगे ये साइड वालों को और फिर हमारा टॉप तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमें ये जो टाई करने के लिए रिबन लगाई है वैसे लगानी है। उसके लिए साइज है, ये है साइज 3.5 इंच का है। अब मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ मार्किंग कर लेनी है, यहाँ लगाना है, यहाँ 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 और यहाँ, कुल मिला के 12 स्ट्रिप्स ऐसे कट करनी है। ये यहाँ लगेगा, ये सेम लगाना है। ये देखिए किस तरह से पीछे लगाया ये नॉट, इस तरह से लगाने के लिए दोनों तरफ। तो हम वो भी लगा देंगे, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से लगा देना है, बाकी सबको भी लगा देना है। ये देखिए, ये देख लीजिए, मैंने ये लगा दिया है नॉट्स सारे। ये देखिए आगे दो, आगे बिल्कुल भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, पीछे सिर्फ 4 ही लगानी है। देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से पीछे के साइड पे सिर्फ हमने 2 1 2 3 4 और ये 2 कॉर्नर्स के, इस तरह से हमारा ये टॉप तैयार है। और हाँ, ये जो रिबन रहती है ना उसके धागे ना निकले ना, इसलिए थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा देना है जिससे इसके धागे निकलते नहीं हैं। इस तरह से कृष्ण भगवान का ड्रेस तैयार हो गया है, मैंने डाल के भी देखा है, परफेक्ट बैठा। आज मैंने स्पेशली हिंदी में किया क्योंकि बाकी सबको समझ में आए, इसलिए आप अपना कृष्ण भगवान का ड्रेस बनाने के लिए एंजॉय कीजिए। राधे राधे।